स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे छोटे से इनके सफर आप WWW ब्यूटी पार्लर के ऊपर। अभी रिसेंटली ना मैं जाके आया हूँ सालासर बालाजी, वहाँ पर जब मैंने इस गाड़ी को राइड किया आफ्टर सर्विस, जो सर्विस थी इसकी 50,000 वाली वो मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद जब मैंने उसको राइड किया ना 100 तक, तब तक मुझे थोड़ा सही लग रहा था। 120 में जब मैंने उसको राइड किया ना, और तब ऐसा लगा कि ना हल्का सा ना लेफ्ट जा रही है, ये अमृतसर निकलना है सुबह, और हमारी अमृतसर में जो जर्नी है ये होने वाली है अप्रॉक्स 1700 से 1800 किलोमीटर की। अगर हम इसका अलाइनमेंट नहीं कराते तो हमें नुकसान होगा टायर का, और जो साथ के इसके स्टॉक टायर हैं वो हैं ब्रिजस्टोन के। ब्रिजस्टोन के मेरे हिसाब से 10,000 से लेकर 12,000 तक की कॉस्ट करते हैं, तो मैंने चाहता कि 10,000 या 12,000 रुपीज़ के जो टायर हमारे अच्छे कंडीशन के अंदर हैं, अभी 50% ही ख़राब हुए हैं, तो मैंने चाहता कि अलाइनमेंट की वजह से हमारे टायर और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और MI रोड पाँच पत्ती के पास में जो शोरूम अलाइनमेंट वाला सबसे पुराना वाला शोरूम वहीं पर ही है, उनका जो मशीन है वो अच्छे से अलाइनमेंट करते हैं। और इस XUV500 का अलाइनमेंट चारों टायर का होता है, नॉर्मली जो व्हीकल्स को होता है उसे फ्रंट का होता है। और अगर हम टाइम की बात करें अलाइनमेंट करने के अंदर, तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते होंगे चारों टायरों को बैलेंस करके आपस में मिला के, जो इनका सेंसर होता है कंप्यूटर वाला उसको रीड कराने के बाद में नीचे एक बोल्ट होता है स्टेयरिंग का रॉड का, और टायरों पे जो कसा जाता है उसको सेट करते हैं, व्हील अपने जगह पर आ जाता है और एकदम स्ट्रेट मूव करता है। XUV का टाइम से अलाइनमेंट नहीं कराते ना, तो इसका एक व्हील ना हल्का सा लेफ्ट और एक व्हील हल्का सा राइट, ऐसा मैंने देखा है गाड़ियों के अंदर, वो अलाइनमेंट का ही रीज़न होता है उसका। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के अंदर ना 1,00,000 किलोमीटर से पहले टायर डलवाने पड़ जाए मुझे, और अभी चल चुके 50,700 कुछ। अगर हम टाइम पे अलाइनमेंट कराते रहेंगे, बैलेंसिंग रोटेशन करवाते रहेंगे, तो आई थिंक ये जो इसकी ब्रेकों के टायर की लाइफ है वो शायद करीब करीब तो 90,000 से 1,00,000 किलोमीटर की होती है। तो अगर इतना चल गया ना टायर के तो पैसे वसूल हैं अपने, और अगर कुछ टाइम पहले टायर डलवाने पड़ गए ना तो 48,000 का चारों का टायर का सेट है इसका। जैसे हम स्ट्रेट जाएंगे पांच पत्ती से, और जो सामने की तरफ जो फर्स्ट लेफ्ट कट है कॉर्नर पर शॉप है अलाइनमेंट बैलेंसिंग टायर की, और वहाँ पर अलॉय व्हील्स भी रखते हैं वो अंकल, अलॉय व्हील्स बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके पास में। और इधर ही आ गया मैकडी, मैं जब भी देखता हूँ ना इसको चिकन स्ट्रिप्स नहीं मिलती है इसके ऊपर, चिकन स्ट्रिप्स के लिए अपने को कहने के जाना पड़ेगा। किसी पहले सेट करना चाह रहा है ना, पहले लूज कौन सा किया था जी? ये दोनों लूज करते हैं, ये हाँ। तो है स्टीयरिंग की टोइन हाँ, और ये कैम्बर। अच्छा ये कैम्बर है हाँ। तो लूज वाले करके यहाँ सेट करते हैं हाँ। ये घूमता ही है, सेटिंग है ना, ये जो लगते हैं ना ये हाँ। सेटिंग के अच्छा ये मूव होते हैं ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, अब फ्रंट का टर्न है। इसकी जो टोइन आउट है ना ये हाँ। ये स्टीयरिंग की टोइन नहीं है, जाम हो रहा ये तो। कितना टाइम हो गया था अलाइनमेंट हो गया 10,000 किलोमीटर। इस पर सॉफ्टवेयर रहता है क्या बोल्ट?
अरे अंदर का भी जंग होता ना, चूड़िया का जंग काट देता। टाइम क्या कह रहे हो? अपने पुराने आदमी से लगा दिया टाइम लगा दिया, कुछ तो फायदा होता है जानकारी होने का। डन 15 मिनट तो लगे अलाइनमेंट कराने के अंदर और 15 ही मिनट लगे हमें इसकी ट्रायल लेने के अंदर, क्योंकि पता नहीं लोगों क्या होता है कि यार कोई भी व्हीकल आप लेके जाओगे ना, सर्विस कराओगे अलाइनमेंट कराओगे, तो जो मैकेनिक लोग होते हैं इनको लगता है कि नहीं हम ट्रायल लेके आए हैं इसकी। भाई ठीक है आप ट्रायल लो, पर ट्रायल देने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायल देने में सबसे बड़ा इशू है ना, ये गाड़ी ले जाते हैं और ले जाने के बाद में ना अनशाइन उसको भगाएंगे, ब्रेकिंग करेंगे, इसके टायर को स्किट करेंगे, पता नहीं क्या ही मिलता है इन सबको ये सब करने के बाद में। खैर चलो जो भी है, जिसकी जो हैबिट है वो रहनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारा बिल आया 708 रुपये का, 50,700 पे अभी हम गाड़ी को लेकर खड़े हैं। 60,000 तक हमें कोई अलाइनमेंट टेंशन नहीं है अगर हम इसको रफ ड्राइविंग गड्ढों में ड्राइविंग नहीं करते हैं तो। और इन्होंने हमें मुझे वारंटी दी है 1000 किलोमीटर या एक मंथ। यार 1000 किलोमीटर कुछ कम नहीं होगा, कल मैं अमृतसर जा रहा हूँ, कल ही ये शायद 700-800 किलोमीटर तक चल जाएगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, कुछ बात पूछनी हो, कहनी हो, कमी हो, माड़ी हो, अच्छी हो, जो भी कुछ हो कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में नीचे बता देना, बोल देना जो भी कुछ है, फ्री ऑफ माइंड होके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट।